नमस्कार दोस्तों, अपने रामोजी फिल्म सिटी के सफ़र में हम आ चुके हैं महिष्मती साम्राज्य, जहां बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो चलिए अब आके चलते हैं और देखते हैं महिष्मती किंगडम। ये महिष्मती साम्राज्य प्रवेश द्वार। ये तो कुछ है, हाँ आगे तो भी बहुत बाकी है, अभी टाइम लगेगा बहुत। घंटा, ये घंटा है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था ये घंटा है। ये बजता नहीं है भैया, हमको बजा देगा। ये महिष्मती साम्राज्य का स्टैचू, ये देखते हैं किसका है। ये शायद फाइबर लकड़ी का बना हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम देख रहे थे ना, मूवी में देखा था हमने, सेम बिल्कुल वैसा ही है महिष्मती साम्राज्य स्टैचू। ये जो बीच में सेंटर में आप देख रहे हो, इसी पे राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या मिलेगा। ये है महिष्मती साम्राज्य का प्रवेश द्वार। हालांकि ये सारा लगता है मुझे सब फाइबर या लकड़ी का ही कुछ बना होगा। देखते, टच करके देखते हैं कैसा बना होगा। बाहुबली, बाहुबली फाइबर का बना हुआ है, देखिए। अरे फूट गया हाथ। फूट गया, मैंने सोचा यह तो ऐसा होगा फाइबर का, पर ये शायद लकड़ी का है। ये है तलवार वाला रथ जो युद्ध में बल्लाल देव ने उपयोग किया था बाहुबली मूवी में। इसके पीछे एक रॉयल इनफील्ड लगी थी, उसी का रॉयल इनफील्ड का इंजन था, और उसमें इसके हैंडल को हटा के इसमें शायद एक स्टीयरिंग लगाया गया था। हाँ, इसमें एक स्टीयरिंग लगाया है, ये देखिए। ये है स्टीयरिंग, हालांकि स्टीयरिंग को तो लगता है जैसे अस्थि पंजर उड़ गए हों। ये इसका हैंडल आधा काट दिया गया, इसमें रॉयल एनफील्ड, ये शायद पता नहीं 350 है या 500 है, जो भी है, लेकिन रथ मज़ेदार है।
थोड़ी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि हमारे गाइड ने बोला था कि थोड़ी जल्दी करना। हालांकि उन्होंने यहाँ 15 मिनट दिए थे। अभी आपको सामने दिखाते हैं जहाँ पर वो अनुष्का शेट्टी को, मतलब बाहुबली की माँ को, जहाँ बांधा था उस पिंजरे के पास और उस पोल के पास जगह। ये सारा आर्टिफिशियल सेट है। मैं सोच रहा था ये सारा उसका होगा, पत्थर का या उसका, ये सारा फाइबर का है। हालांकि ये नहीं लगता, ये तो मेरे ख्याल से पत्थर है। देखिए ये भी फाइबर है, तो बड़ी अच्छी कलाकारी की हुई है। ये है वो रथ, जब शुरू में सेकंड मूवी शुरू होती है जो वो दिखाते हैं, जिसके नीचे से इसके हाथी टकरा जाता है और वो जब दरवाज़ा टूटता है, ये है वो रथ। इधर से देखते हैं पीछे से, हालांकि इसे रथ कहना तो गलत हो गया, कुछ बड़ा ही है, हालांकि कहते तो रथ ही हैं। देखो अब देखते हैं, हालांकि सूरज की रोशनी पड़ रही है, शायद अच्छी तरह ना दिख पाए। चलिए अब चलते हैं, एक पॉइंट और रह गया देखने के लिए, चलिए चलते हैं अब। अभी तक जो हमने सफ़र किया था पूरी फिल्म सिटी का, ये सर ने हमें सफ़र किया कराया था, और अभी जो आपने आवाज़ सुनी थी हमारी बहन की, वो बस में बैठी है, इनकी आवाज़ थी वो। चलिए अब वापस चलते हैं। बस नंबर 49 जिससे सफ़र किया था, अब सफ़र ख़त्म होने को आया क्या, सफ़र ख़त्म हो ही गया। चलिए अब वापस चलते हैं, कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म सिटी है, कुछ दिखा पाएंगे कुछ नहीं दिखा पाएंगे, और यहाँ आना ज़रूर। और अगर मेरी मानो तो आप दिसंबर और जनवरी पर आना, अभी तो धूप ने बिल्कुल तेल निकाल दिया। ठीक है, बाय बाय।